फ्रेंड्स, अगेन वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स एक्स. ये थीटा की वैल्यू है. थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स है. इनवर्स फंक्शन एंगल शो करता है. देन साइन इनवर्स एक्स एक्स व्हेन एक मॉड एक्स लेस आर इक्वल टू वन. कॉस इनवर्स एक्स एक्स when mod x less or equal to 1. tan inverse x x when x belongs to real number. cot inverse x x when x belongs to real number. and sec inverse x is equal to x for mod x greater than 1. cosec inverse x is equal to x for mod x greater than 1 के. ये इसको एज ए फार्मूला यूज़ करेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स साइन थीटा. थीटा होता है, इनवर्स फंक्शन है, ये पूरा एंगल शो करेगा. तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा व्हेन मॉड थीटा लेस आर इक्वल टू पाई बाई टू. कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा व्हेन जीरो लेस आर इक्वल टू थीटा लेस देन पाई. टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा व्हेन मॉड थीटा लेस देन पाई बाई टू. cot inverse cot theta theta when 0 less than theta less than pi. sec inverse sec theta theta when theta belongs to closed interval 0 to pi minus pi by 2. and cosec inverse cosec theta is equal to theta for theta belongs to closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2 minus 0. ये भी प्रॉपर्टी है. थर्ड प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स. अब इसका प्रूफ है, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई एक्स. साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी डोमेन और कोडोमेन को इंटरचेंज करेंगे. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल एक्स. 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स. देन थीटा इज इक्वल टू कॉस को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स. अब थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स के. सिमिलरली कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स. टेन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स. एंड कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स. सेक इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स. एंड कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. ये सब फार्मूले हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब फार्मूले हैं, इनको एज ए फार्मूला याद करेंगे. फोर्थ प्रॉपर्टीज साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स. टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स. कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स. अब इसमें फर्स्ट वाले का प्रूफ देखिए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको एज थीटा लेट कर लेंगे. लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स. अब साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, यानी डोमेन कोडोमेन को इंटरचेंज करिए. देन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स. अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स. अब हमको सोचना है कि साइन निगेटिव सबसे पहले कहाँ होता है, तो हम यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे. तो साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स. अब साइन को अब फिर इधर की साइड राइट हैंड साइड में लाएंगे, डोमेन कोडोमेन को इंटरचेंज करेंगे, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. और फिर दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. अब सिमिलरली कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स. अब देखिए फर्स्ट वाले का प्रूफ देखिए, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स.
तो कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, डोमेन को डोमेन को इंटरचेंज किए हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस वन, देन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब देखेंगे कि सबसे पहले कॉस निगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब कॉस को फिर राइट हैंड साइड में ला देंगे तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू हमने लेट किया है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या लेट किया है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से बाकी भी प्रूफ कर सकते हैं, जितने भी इनवर्स फंक्शन हैं उनको सबसे पहले थीटा लेट कर देंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगाते चले जाएंगे जो क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। ओके।